जय हिंद दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द न्यू टॉपिक कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. सो दिस इज अ बेसिकली अ टिपिकल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन विच देर आर फोर वेयर हाउस नंबर 1, 2, 3, 4 एंड देर आर थ्री सिटीज, सिटी 1, सिटी 2 एंड सिटी 3. नाउ सिटी 1, 2, 3 आर हैविंग फॉलोइंग डिमांड. मतलब सिटी 1 का 6 यूनिट्स का डिमांड है, सिटी 2 का 1 यूनिट का डिमांड है एंड सिटी 3 का 10 यूनिट्स का डिमांड है. नाउ वेयरहाउस नंबर 1 कैन सप्लाई 7 नंबर ऑफ यूनिट्स टू एनी सिटी, वेयरहाउस नंबर 2 कैन सप्लाई 5 नंबर्स ऑफ यूनिट्स टू एनी सिटी, वेयरहाउस नंबर 3 कैन सप्लाई 3 यूनिट्स टू एनी सिटी, वेयरहाउस नंबर 4 कैन सप्लाई 2 यूनिट्स टू एनी सिटी. नाउ सपोज अगर सिटी 1 का अगर एक यूनिट का डिमांड अगर वेयरहाउस नंबर 1 से होता है तो पर यूनिट 2 रुपीज़ का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और ये कॉस्ट ये 4 गोल्डन वर्ड में से एक वर्ड है, दैट्स व्हाई वी हैव टू मिनिमाइज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. नाउ अगेन हियर अल्दो द सिटी 1 का डिमांड इज 6 यूनिट्स बट द वेयरहाउस नंबर 2 कैन सप्लाई द 5 नंबर्स ऑफ यूनिट्स, राइट. So we have to manage everything. We have to fulfill the demand of each and every city by using the each and every supply. But the total transportation cost should be minimum. Now, ये transportation problem solve करने के लिए पहले हमें initial basic feasible solution find out करना होगा. And that particular initial basic feasible solution will be tested for the optimality. Now, initial basic feasible solution find out करने के लिए there are 3 methods. The first method is northwest corner method, second one is the least cost method, and third one is the Vogel's approximation method. It is popularly known as VAM, V-A-M. Now, जो initial basic feasible का solution मिलेगा उसको हमें test of optimality से हमें पार करना होगा, मतलब हमें test करना होगा optimality के लिए. So, test of optimality के लिए there are 2 methods. The first method is modified distribution method. It is also called as Moody method. Then, second method is stepping stone method. So, पहले हम लोग northwest corner method से यही problem का हम लोग initial basic feasible solution find out करते हैं. Now, we are going to solve this problem by using the northwest corner method. तो कोई भी transportation problem solve करने से पहले we have to check whether it is the balance problem or unbalance problem. तो ये balance problem है या unbalance problem है कैसे हम लोग देखते हैं. Now we have to compare the total demand with the total supply. So if the total demand is equal to total supply, then the problem is balance problem. तो here now the tally of total demand is 6 plus 1 plus 10, that is equal to 17, and the tally of total supplies 7 plus 5 plus 3 plus 2, that is equal to 17. So it is the balance problem. अगर ये balance problem नहीं है तो हमें एक डमी रो या फिर हमें डमी कॉलम ऐड करना होगा. तो fortunately this is the balance problem. तो यहाँ पे डमी रो या डमी कॉलम नहीं आएगा. Now ये हमें northwest corner method से find out करना है. So map में हम लोग एक sign देखते हैं, ऐसा एक arrow रहता है और उसके टॉप के ऊपर ऐसा नॉर्थ लिखा रहता है. सपोज दिस इज नॉर्थ, देन दिस विल बी साउथ, देन दिस विल बी ईस्ट एंड दिस विल बी वेस्ट. सो हियर ये जो डायरेक्शन रहेगा, दिस डायरेक्शन विल बी कंसीडर एज नॉर्थ वेस्ट. नाउ ये सेम रूल हमें ये मैट्रिक्स में हमें अप्लाई करना है. नाउ ये 3x4 के मैट्रिक्स में यहाँ पे दिस इज द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, राइट. सो हमें यहाँ से शुरुआत करना है. नाउ हियर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस. सिटी 1 का डिमांड इज 6 यूनिट्स एंड वेयरहाउस नंबर 1 कैन सप्लाई 7 यूनिट्स. तो यहाँ पे सिटी 1 का 6 का डिमांड वेयरहाउस नंबर 1 से फिलफिल हो सकता है क्योंकि वो सप्लाई 7 कर सकता है. नाउ हियर सपोज सिटी 1 का डिमांड वेयरहाउस नंबर 1 से सप्लाई होता है तो पर यूनिट के बीच ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी 2 रुपीज़. सो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं, डिमांड यहाँ पे हो गया 0,
यहाँ पे डिमांड हो गया 1 और यहाँ पे टोटल डिमांड इज 6। तो वेयरहाउस नंबर 1 से सिटी 1 का डिमांड फुलफिल हो गया। नाउ हियर, अगर सिटी 1 का जो 6 का डिमांड अगर फुलफिल होता है तो यहाँ पे कोई भी डिमांड बचता नहीं है, तो यहाँ पे आएगा डैश, यहाँ पे आएगा डैश, यहाँ पे आएगा डैश। नाउ नेक्स्ट, बचा हुआ मैट्रिक्स कौन सा है? ये वाला मैट्रिक्स। ओके, नाउ हियर ये रो नंबर 2 एंड रो नंबर 3 में दोनों मिला के द नॉर्थ वेस्ट पॉइंट इज दिस 1। नाउ वी हैव टू फुलफिल द डिमांड ऑफ सिटी 2 विथ वेयरहाउस नंबर 1। नाउ हियर द डिमांड ऑफ सिटी 2 इज 1 यूनिट एंड वेयरहाउस नंबर 1 कैन सप्लाई 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे अभी एक यूनिट ही बचा है, क्योंकि उसने 7 में से 6 यूनिट सिटी 1 को दे दिए। नाउ हियर यहाँ पे रिक्वायरमेंट इज 1, द वेयरहाउस नंबर 1 कैन सप्लाई यूनिट 1 एंड द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इफ द सिटी 2's डिमांड इज फुलफिल्ड बाय वेयरहाउस नंबर 1 इज रुपीज 1। तो यहाँ पे आएगा 1 बराबर, तो दिस विल गेट 0, दिस विल गेट 0। ओके, नाउ यहाँ पे अगर 0 होता है तो दिस विल बी डैश, दिस विल बी डैश, दिस विल बी डैश, और यहाँ पे 0 होता है तो यहाँ पे डैश आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 होता है तो भले ही सिटी 3 का कुछ डिमांड हो लेकिन वेयरहाउस नंबर 1 वो फुलफिल नहीं कर सकता, तो यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट डैश हो जाएंगे। देन नेक्स्ट, बचा हुआ मैट्रिक्स इज रो नंबर 3, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पॉइंट इज दिस, ये बचा हुआ है राइट, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट पॉइंट इज दिस, तो हमें यहाँ पे अलोकेशन करना होगा। द डिमांड ऑफ सिटी 3 इज 10 यूनिट्स राइट, तो यहाँ पे 5 हम लोग यहाँ से सप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 0, दिस विल बिकम 5, तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे आएगा 5। ओके, देन बचा हुआ पॉइंट कौन से हैं? दिस 15 एंड 9, तो 15 एंड 9 में से नॉर्थ वेस्ट पॉइंट इज 15, सो यहाँ पे आएगा 3 राइट, 3 हमें यहाँ पे वेयरहाउस नंबर 3 से सप्लाई कर सकते थे, सो दिस विल बिकम 0, यहाँ पे आएगा 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ओके, नाउ हियर एक बचा हुआ पॉइंट इज दिस, द डिमांड इज 2, सप्लाई इज 2, तो यहाँ पे आएगा 2 एंड दिस विल बिकम 0। सो दिस इज द अलोकेशन, तो अलोकेशन में आएगा टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करने, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट डेट इज इक्वल टू TTC इज इक्वल टू रुपीज 2 इंटू अलोकेशन यूनिट इज 6 प्लस हियर 1 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू रुपीज 116। सो द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय यूजिंग द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड दैट इज द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मेथड इज रुपीज 116। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेम प्रॉब्लम बाय यूजिंग द लीस्ट कॉस्ट मेथड। नाउ यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है 3x4 का, उसके अंदर जो सबसे लीस्ट कॉस्ट है वहाँ से हमें अलोकेशन चालू करना है। नाउ हियर इफ सिटी 2 का डिमांड अगर वेयरहाउस नंबर 2 से अगर फुलफिल होता है देन पर यूनिट के पीछे कॉस्ट आएगा 0 रुपीज़। ओके, नाउ हियर डिमांड फॉर सिटी 2 इज 1 एंड वेयरहाउस नंबर 2 कैन फुलफिल द डिमांड ऑफ 5, तो यहाँ पे डिमांड फुलफिल होगा 1 का, तो दिस विल बी 0, तो यहाँ पे 5 में से 1 निकल जाएगा, तो दिस विल बिकम 4, तो यहाँ पे एक अलोकेशन होगा, सो दिस विल बिकम 1, तो यहाँ पे कोई भी डिमांड बचा नहीं है, सो दिस विल बिकम डैश, दिस विल बिकम डैश, दिस विल बिकम डैश। देन नेक्स्ट, यहाँ पे बचे हुए मैट्रिक्स में सबसे लीस्ट कॉस्ट इज रुपीज 2, तो यहाँ पे सिटी 1 का डिमांड इज 6 सिटी, देन वेयरहाउस नंबर 1 कैन सप्लाई 7 यूनिट्स, तो यहाँ पे 6 का डिमांड फुलफिल हो सकता है, तो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1 एंड यहाँ पे अलोकेशन आएगा 6, तो यहाँ पे अगर 0 होता है तो दिस विल बिकम डैश, दिस विल बिकम डैश, दिस विल बिकम डैश। नब यहाँ पे बचे हुए मैट्रिक्स में द लीस्ट
कॉस्ट वैल्यू इज़ 5। तो यहाँ पे वेयरहाउस 1 का सप्लाई है 1 का एंड द डिमांड ऑफ सिटी 3 इज़ 10। तो यहाँ पे आई कैन सप्लाई 1, तो यहाँ पे लिखूँगा 1, तो यहाँ पे आएगा 0, दिस विल बिकम 9। ओके, देन नेक्स्ट 8, 15 एंड 9 में से द लीस्ट कॉस्ट इज़ 8। तो यहाँ पे मुझे सप्लाई करना है वेयरहाउस नंबर 2 से, द रिमेनिंग यूनिट्स आर 4 एंड आई कैन मैक्सिमम सप्लाई 4 टू द सिटी 3। तो यहाँ पे आएगा 4, तो दिस विल बिकम 0। देन यहाँ पे आएगा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। देन 15 एंड 9 में से लीस्ट वैल्यू इज 9, तो आई कैन यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई 2, तो यहाँ पे आएगा 0। यहाँ पे आएगा 5 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 3 एंड हियर आई विल राइट 2। नेक्स्ट बचा हुआ लीस्ट कॉस्ट इज 15, तो यहाँ पे 3 का सप्लाई है, यहाँ पे 3 का डिमांड है, तो यहाँ पे आएगा 0, दिस विल बिकम 0, तो यहाँ पे आएगा 3। नाउ द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन दिस केस विल बी 2 इंटू 6 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1 दिस प्लस 8 इंटू 4 प्लस 15 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 112। नाउ द थर्ड मेथड टू फाइंड आउट द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज वैम, दैट इज वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। नाउ सेम प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट कोई भी प्रॉब्लम चालू करने से पहले वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल डिमांड एंड द टोटल सप्लाई, अगर दोनों टैली होते हैं तो प्रॉब्लम इज बैलेंस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे टोटल डिमांड इज 17 एंड टोटल सप्लाई 17, तो ये बैलेंस प्रॉब्लम है, यहाँ पे डमी रो या फिर डमी कॉलम ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। नाउ यहाँ पे ये मेथड में हमें कुछ पेनल्टीज़ ऐड करने होंगे। नाउ ये पेनल्टीज़ कैसे ऐड करते हैं, लेट अस फाइंड आउट। नाउ यहाँ पे देर आर 4 कॉलम्स एंड देर आर 3 रोज, तो ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स का वैल्यू हमें कंसीडर करना है। नाउ ये मैट्रिक्स में रो वाइज और कॉलम वाइज हमें एनालिसिस करना है, तो ये कॉलम नंबर 1 में और एनी कॉलम में या फिर एनी रो में जो सबसे दो छोटे वैल्यूज़ रहेंगे उसका डिफरेंस हमें लेना है। ये कैसे लेना है, लेट अस सी। नाउ कॉलम 1 में 2 स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स आर 1 एंड 2, सो द डिफरेंस इज 1। हियर 0 एंड 3, द डिफरेंस इज 3। 6 एंड 11, द डिफरेंस इज 5। कॉलम 4 में सबसे दो छोटे वैल्यू है 1 एंड 7, सो द डिफरेंस इज 6। हियर लास्ट में रो वाइज हमें देखना है, तो रो नंबर 1 में हमें डिफरेंस मिलता है दो छोटे सबसे एलिमेंट का, दैट इज 2 एंड 3 इज द 1। यहाँ पे दो सबसे छोटे एलिमेंट है 1 एंड 0, राइट, तो ये 1 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, तो हमें सिर्फ दो सबसे छोटे एलिमेंट का डिफरेंस लेना है, द 0 एंड 1, द डिफरेंस इज 1। हियर द टू स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स आर 5 एंड 8, सो द डिफरेंस इज 3। तो हमारा इटरेशन 1 हो गया है। नाउ जब हम लोग ने डिफरेंस निकाल लिया है, ये डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं पेनल्टीज। नाउ ये पेनल्टीज़ में जो हाईएस्ट पेनल्टी रहेगा वहाँ से हमें एंटर करना है। नाउ हियर 1, 3, 5, 6, 1, 1, 3 में से द हाईएस्ट पेनल्टी इज 6, तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ से एंटर करेंगे। सो हमें ये कॉलम नंबर 4 में हमें अलोकेशन करना है। नाउ ये तीन वैल्यू में से जो कॉलम नंबर 4 के हैं, जिसमें से जो सबसे छोटा कॉस्ट रहेगा वो हमें अलोकेट करना है। नाउ 7, 1 एंड 9 में से सबसे लीस्ट कॉस्ट इज 1, तो हमें यहाँ पे अलोकेट करना है। नाउ जब ये 1 को अलोकेट करेंगे तो ये सिटी 2 का डिमांड इज 1 यूनिट, बट वेयर हाउस नंबर 4 कैन सप्लाई 2 यूनिट्स, तो मैक्सिमम इसका डिमांड है 1 का, तो मैक्सिमम वेयर हाउस नंबर 4 कैन सप्लाई 1 यूनिट, सो दिस विल बिकम, यहाँ पे अलोकेट होगा 1, सो दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल बिकम 1। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग ने पहला अलोकेशन कर दिया है। नाउ अगर यहाँ पे 1 का अगर 0 होता है तो दिस विल बिकम डैश, दिस विल बिकम डैश, दिस विल बिकम डैश। नाउ अब हाँ आइए, इटरेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नाउ सिमिलरली हमें ऐसे ही पेनल्टीज ऐड करते जाने।
नाउ नेक्स्ट इटरेशन में कॉलम नंबर वन में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसमें से सबसे दो छोटे एलिमेंट है उसका डिफरेंस लेना है। तो फॉर्चुनेटली यहाँ पे दो ही एलिमेंट बाकी हैं, तो यहाँ पे 2 and 5 का डिफरेंस इज 3, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3। देन हियर 3 and 8 का डिफरेंस इज 5। देन 11 and 15 का डिफरेंस इज 4। 7 and 9 का डिफरेंस इज 2। देन सिमिलरली रो वाइज 2 and 3 का डिफरेंस इज 1। देन यहाँ पे आएगा डैश क्योंकि ये अलोकेशन हो गया ये रो के लिए। देन 5 and 8 का डिफरेंस इज 3, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3। तो यहाँ पे सेकेंड इटरेशन में 3, 5, 4, 2, 1 and 3 में से द हाइएस्ट पेनल्टी इज 5, तो मैं यहाँ से एंटर करूँगा। नाउ कॉलम 2 दैट इज वेयरहाउस नंबर 2 में वी हैव टू फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट कॉस्ट। तो 3 and 8 में से स्मॉलेस्ट कॉस्ट इज 3, तो हमें 3 पे अलोकेट करना है। नाउ सिटी 1 का डिमांड इज 6 यूनिट्स बट वेयरहाउस नंबर 2 कैन सप्लाई 5 यूनिट्स, तो यहाँ पे मैक्सिमम अलोकेशन आएगा 5 यूनिट्स। यहाँ पे मैं अलोकेट करता हूँ 5 यूनिट्स। सो अगर मैंने यहाँ पे 5 यूनिट्स अलोकेट किया तो दिस विल बिकम 0 एंड दिस विल बिकम 1। अगर ये 0 होता है तो दिस विल बिकम डैश क्योंकि ये पूरा का पूरा कॉलम में डैश आएगा, दैट्स वे। नाउ नेक्स्ट इटरेशन में जो बचे हुए हैं उसमें से हमें अलोकेट करना है। हियर 2 and 5 द डिफरेंस इज 3। यहाँ पे कॉलम 2 में आएगा डैश। देन कॉलम 3 में 11, 15 का डिफरेंस इज 4। यहाँ पे 7 and 9 का डिफरेंस इज 2। देन सिमिलरली यहाँ पे 3 अलोकेट हो गया है, सो नेक्स्ट हमें लेना है 2 and 7 द डिफरेंस इज 5। देन यहाँ पे आएगा डैश। हियर 5 and 9 दैट इज द डिफरेंस इज 4 अगेन। नाउ हियर द हाइएस्ट पेनल्टी बिटवीन 3, 4, 2, 5 and 4 इज 5, तो यहाँ पे हमें एंटर करना है। नाउ हियर रो 1 में सबसे छोटा कॉस्ट है 2, 11 and 7 में से 2, तो हमें यहाँ पे अलोकेट करना है। नाउ हियर वेयरहाउस नंबर 1 कैन सप्लाई 7 यूनिट्स बट सिटी 1 का भी डिमांड बाकी है 1 यूनिट का, तो यहाँ पे मैक्सिमम आई कैन सप्लाई इज 1 यूनिट, यहाँ पे आएगा 0, तो दिस विल बिकम 0 एंड यहाँ पे आएगा 1, देन यहाँ पे आएगा 6। अगर यहाँ पे 0 होता है तो यहाँ पे आएगा डैश, यहाँ पे आएगा डैश अगेन। नाउ हियर पूरे मैट्रिक्स में अभी बचा हुआ है सिर्फ ये रो, राइट, तो डेफिनेटली हमें इसी को ही अलोकेट करना है। नाउ यहाँ पे हमें लीस्ट कॉस्ट देखना है, तो लीस्ट में सबसे पहला है 5, तो यहाँ पे बचा हुआ है 6, तो एंड यहाँ पे बचा हुआ है 10, तो आई कैन सप्लाई 6 यूनिट्स दिस, तो यहाँ पे मैंने 6 अलोकेट किया तो दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 4। यहाँ पे नेक्स्ट छोटा वैल्यू इज 9, तो यहाँ पे 1 बचा हुआ है, यहाँ पे 4 बचा हुआ है, सो दिस विल बिकम 0, सो दिस विल बिकम 3 एंड यहाँ पे अलोकेशन आएगा 1। अगेन यहाँ पे बचा हुआ है 3, यहाँ पे बचा हुआ है 3 एंड रिमेनिंग कॉस्ट इज 15, तो यहाँ पे अलोकेट होगा 3, यहाँ पे आएगा 0 एंड यहाँ पे आएगा 0। सो दिस इज़ दी सोल्यूशन बाय यूजिंग वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट निकालना है, TTC इज इक्वल टू 2 into 1 प्लस 3 into 5 प्लस 1 into 1 प्लस 5 into 6 प्लस 15 into 3 प्लस 9 into 1 दैट इज इक्वल टू रुपीज़ 102।